सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं फ्रेश वगैरह होकर रेडी हो चुका हूँ। अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि अभी वो लोग पढ़ने के लिए आएंगे, उसके पहले हम जाकर जल्दी से चाय वगैरह पी लेते हैं, वरना फिर एक बार अगर बच्चे लोग पढ़ने आ जाते हैं उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता कुछ करने का। तो ठीक है, अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। और मौसम तो आज क्या ही बताऊँ, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है, मुझे इतना धूप लगता है ना तो लगता है कि बारिश हो बारिश हो बारिश हो। अब बारिश होता है तो लगता है कि सूखा हो जाए, मतलब कि धूप आ जाए। समझ में आता है, इंसान को किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये बात समझ गया मैं। चलिए जाते हैं चाय पीने, मिलते हैं आपसे बाहर। इतना ज़्यादा धूप है, देख रहे हो ना, और आप कहते हो धूप भी नहीं है, बहुत सारा धूप है, मगर आज यार गोलू मोलू चिंटू मिंटू नहीं दिख रहा, कहीं नहीं है, वरना यहीं पे रहता ही है, मतलब बिल्ली है और कुत्ते। चलिए चलते हैं, आप लोग बताना किस किस को बिल्ली से डर लगता है। यहाँ पे देखो म्याऊ म्याऊ, उधर है उधर है, तीनों आज यहाँ पे, मैं खोद रहा था उधर। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि खाना बना रहा था, चावल चढ़ा हुआ था और अचानक से ये देखो गैस ले जाना पड़ रहा है सिलेंडर, क्योंकि इसमें से गैस ख़त्म हो चुका है। बहुत बेकार किस्मत है मेरा, जाकर वो भी जाऊंगा उसको देने, वो भरकर शाम तक मुझे देगा वापस। चलते कम से कम खाना बन जाने देता, उसके बाद ख़त्म होता, बहुत टेंशन है भाई। गैस ले जाना, ले आना, भरवाना, इधर जल्दी देता भी नहीं है वापस। ठीक है चलते हैं गैस भरवाने, झोला में कर लिया हूँ। मैं आ चुका हूँ सिलेंडर देकर, और मार्केट गया था और आते आते इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, कि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं सीधा जाके पहले नहाया उसके बाद अभी मैं आ रहा हूँ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मतलब क्या ही बोलूँ, गैस उठा के बार बार तो चेक करता नहीं हूँ ना कि वो बचा है नहीं बचा है, तो इस वजह से मालूम नहीं चलता है। तो अभी दे दिया हूँ, वो कल वापस से मुझे गैस देगा, तो देखता हूँ शाम में, तो बाहर ही खाना पड़ेगा। अभी जा रहा हूँ नानी के घर खाने, तो अभी खाने जाते हैं, उसके बाद फिर आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मतलब थोड़ा सा चावल थोड़ा सा और ज़्यादा पकता ना तो वो खाने लायक हो जाता, मगर पका ही नहीं, आधा पे रुक गया। तो गाइस अभी पढ़ा बढ़ा लिए हैं और अभी जा रहे हैं चाय पीने, भाई साहब हॉन्टेड हॉन्टेड है ये। तो अभी चलते हैं चाय वगैरह पीने के लिए ताकि मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सो भी गए थे, फिर पढ़ा रहे थे तो थक गए हैं। तो चलते हैं चाय पीने के लिए, और चाय पीते पीते थोड़ा मैं किसी काम में अटक गया और फिर मैं पानी में छिका गया, समझे तो मतलब बारिश रुक ही नहीं रहा था, इतना बारिश हो रहा था। इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर कैसे कैसे मैं जल्दी से खाना लिया और भागा। बहुत ही ज़्यादा गाइस बारिश हो रहा, बहुत ही ज़्यादा, और बिजली तो और बहुत जोरों से तरक रही है। तो अभी चलते हैं, खाना लाए हैं, छेना पनीर की सब्जी और रोटी, क्योंकि गैस तो था नहीं तो बना नहीं सकते थे, तो इस वजह से ये बात अच्छा है कि आज मौसम ठंडा हो जाएगा, ये चीज़ सही लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था यार, क्या ही कहूँ। ठीक है तो मिलते हैं सिद्धार्थ से खाने पर। टी शर्ट धोना है, एक टी शर्ट, दो टी शर्ट, तीसरा, चौथा, ये चारों को मुझे धोना है, क्योंकि मैं पहनने वक्त तो पहन लिया मगर अब धोने का बारी आ चुका है, क्योंकि सब के सब बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। चना पनीर का सब्जी और इधर आ रोटी, तो
तो अभी चलिए इसको खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है। और एक बार मैं जब चना और पनीर ट्राई किया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी आज देखने में तो सही लग रहा है, तो आई होप कि आज अच्छा लगे। और ये प्लास्टिक के अंदर इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लीक कर, मतलब प्लास्टिक के अंदर इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ा गिर ना जाए इस वजह से, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, तो वैसे ही मैं खा रहा हूँ और वैसे ही इसको पैक करके रख दूंगा, क्योंकि खोलना फिर बंद करना, क्योंकि उसके बाद फिर पोछा लगाना बहुत हैवी काम होता है, इस वजह से इसे में खा लेते हैं। चलिए खा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। वैसे भी खाना वगैरह खा लिया, और खाना वगैरह खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, मगर अभी मैं सोऊंगा नहीं, अभी मैं कुछ पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या पढ़ने वाला हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग का है वीरेंद्र राठौर जी का है, और इसका स्लोगन देखिए कितना मस्त सा है, यू कैन यू विल ज्वाइन फिल्म्स, यही है। तो इसका कुछ ये सब पाठ ही सूची जो होता है कंटेंट वो दिया गया है, तो अभी हमें पढ़ना है। हाँ, ये अभिनेता की तैयारी, मोनोलॉग याद ना करें याद हो जाएगा, ये पढ़ना है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। और इसमें सारा कुछ बहुत ही डिटेल से दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी किताब है समझने के लिए। इसमें बहुत सारे हीरो की तस्वीरें भी हैं, इसमें देख रहे हो शाहरुख खान, काजोल, इनकी भी तस्वीर है, इसमें अमिताभ बच्चन जी की पुरानी तस्वीर भी है, और इधर कौन है, हाँ, और इधर देखो गोविंदा और शक्ति कपूर, उन सब की तस्वीरें, मतलब किताबों में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है सब कुछ के बारे में, तो अभी इसको पढ़ना है। मतलब डेली ब्लॉग डाल तो रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब चैनल का ग्रो बहुत ही स्लो हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, अंदर से इतना ख़राब वाली फीलिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब 6 महीनों की मेहनत है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जो जिस चीज़ के लिए मैं स्टार्टअप किया था यूट्यूब चैनल, वो चीज़ दूर दूर तक नहीं दिख रही है, तो इस वजह से थोड़ा तो नेगेटिव मन में चल रहा है, मगर कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं सोऊंगा, कि और कुछ काम है नहीं, अभी रात के 12:30 हो रहे हैं, तो आधा घंटा तो करीब पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना।